नमस्कार, मुझे संजय कुमार दास ओडिशा कटक रु कहि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इंटरनेशनल समिट जो 2020 और 2021 आंतर्जातिक स्तर रे जो समिट सब से समिट गुडा आलोचना करवा। आगे टे बुझा ये इंटरनेशनल समिट समिट्र मान कौन? समिट्र मान हूँ सम्मेलन, किसी राष्ट्र आंतर्जातिक स्तर रे एकाठी बसिकी आगे किसी पदक्षेप नवा यह गोटे जो आलोचना हुए ताको समिट बोली कह जाए। आम आंतर्जात स्तर जो समिट गुड़ाक 2020-21 होगा टी देखने परीक्षा में पड़ो, इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन गुड़ाक मन रखा आसवा। 16th G20 समिट 2012 मन रख, यहाँ हूँ 16th G20 समिटा 2012। ये भेन्यू यार भेन्यू मैंने कौटी होता ना इटाली रोम नेटा होता कौटा ये जो 16th G20 समिटा इटाली रे रोम रे हेतिला केबे हेतिला टिके मन रखिबो 30-31 30 और 31 अक्टूबर 2021 रे हेतिला बुझियो छी। थीम यार थीम कोन थिला देखरा 2021-12 हे जाई छी। यार थीम कोन थिला? पीपल प्लानेट प्रॉस्पेरिटी, लोक माने प्लानेट आमी जो पृथ्वी रे बास कर जो प्लानेट रे तार प्रस्पोरीटी के उन्नति हम ये तार थीम थी। चेयरमैन को किए चेयरपर्सन थे ना मारियो ड्राघी, मन रख ये होंगे पीएम इटाली होंगे पीएम तक ना हूँ मारियो ड्राघी बुझे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया, इंडिया रिप्रेजेंटेशन किए करते भारत नाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी करते। 15th कन्फरेन्स 15th जो कन्फरेन्स ये रियाद्रे होता साउदी आरबर रियाद्रे होता 2020 गोटा गोटा क्वेश्चन इम्पोर्टेन्ट मन रखी सेमती 17th कौटी होता है ये G20 ना इंडोनेशिया रे होता 17th 2022 हम इंडोनेशिया रे हम मन रखा क्वेश्चन टाक कि 15th कन्फरेन्सटा रियाद साउदी आरबिया 2020 होता 15th 18th इंडिया रे हम 2023 हम मन रख सब गुड़ा क्वेश्चन इम्पोर्टेन्ट जो 16th G20 समिटा 2021 मन रख कथा कप 26 यूएन क्लाइमेट चेंज कन्फरेन्स 2021 ये कप्र अर्थटा बुझा हूँ गोटे कन्फरेन्स अफ पार्टीज मैं विभिन्न दल मान गए कन्फरेन्स ये कौन हुए ना यूएन क्लाइमेट चेंज कन्फरेन्स 1995 आरंभ होता एक कथा भी मन रख ये कौन डिस्कसन हम ना यूएन क्लाइमेट चेंज कन्फरेन्स जे आम जो क्लाइमेट चेंज होमर कौन हो क्लाइमेट जलवायु पापागर जो परिवर्तन हो जो क्लाइमेट चेंज केमती होती आप कन्फरेन्स नहीं था तार इवेंट्सटा अक्टोबर 29 नवेम्बर 2 भितर होता 2021 मन रख क्वेश्चन गुड़ाक होस्टेड बाय कौमा कौटा होस्टेड कौ मैंने करते ना ग्लास्गो स्कॉटलैंड एंड यूके कौटा कप 26 यूएन क्लाइमेट चेंज कन्फरेन्स 2021 चेयर बाय चेयरपर्सन किए थे आलोक शर्मा मन रख कथा गुड़ाक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन गुड़ाक गोल तार लक्ष्य कौन थी टू सिक्योर ग्लोबल नेट जीरो बाय ईयर 2050 2050 सुधा पृथ्वी में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर प्रदूषित हो वायुमंडलटा 2050 सुधा आम किमी जीरो को नहीं आसवा एंड आउ ना कीप टेम्परेचर 1.5 डिग्री एवं आम टेम्परेचर को आम 1.5 डिग्री कमे दवा बुझे क्या तापर हो आवर पीएम हेज गिवेन ए पंचामृत आम राष्ट्र जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ये गोटे पंचामृत पंच अमृत गोटे स्कीम देखते इंडिया विल गेट इट्स नन फसिल एनर्जी कैपेसिटी तो 500 गीगावाट बाय 2030 कथा कौन 2030 सुधा इंडिया कौन कर ये जो फसिल फसिल मैंने कौन आम कोईला फैलार जो सब आसूचे जो एनर्जी ताटा हो फसिल फ्युएल नन फसिल फ्युएल मैंने जोटा आम टाइड्रु आस सपोज सोलार रु आसटा ये सब हूँ कौन नन फसिल एनर्जी इंडिया कौन कर 2030 सुधा ता कैपेसिटी को 500 गीगावाट पर्त आणव नन फसिल एनर्जी ओल्सो बाय 2030 सुधा कौन कर 50% अफ दि कंट्री एनर्जी रिक्रुटमेंट मैं कंट्री जी एनर्जी रिक्वायर्ड अच्छी वुड बी मेट यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को यूज करके 50% फिलअप हम 2030
30 सुधा रिन्यूएबल रिन्यूएबल माने जो आउथरे करियो कंट्री विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन हो केते 1 बिलियन टन्स गुटे बिलियन टन्स कार्बन कमीबो कार्बन एमिशन कमीबो बिटवीन एबे नाउ एंड द ईयर ऑफ 2030 सुधा या हबो इंडिया एम्स टू अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 भारत कौन कर 2070 भितर लक्ष्य रखी 2070 भितर ये जो कार्बन एमिशन टा किमि जीरो हो जाए दि कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी आम इकोनॉमिक जो कार्बन इंडस्ट्री पर इकोनॉमी टा बेस करछि से कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी वुड बी रिड्यूस्ड ये कमी जीव लेस देन 45% बाय 2040 45% कमी जीव बोली कि आम पीएन ए पंच अमृत मंत्र देइछथि ह सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपैक्ट समिटी समिट 2021 सस्टेनेबल कौन आम चलिया जो जो आम चलिया जिन दरकार अच्छे आम फ्यूचर टा भी चलिया से जिन दरकार अच्छे ये दुईटा पीढ़ी को जो डेभलप करवा ये जिनसा हूँ सस्टेनेबल डेभलपमेंट इंपैक्ट समिट 2021 भेनी था जेनेवा स्विजरलैंड 20-23 सेप्टेम्बर 2021 आपको अर्गानाइज करते किए ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको अर्गानाइज कर मन रखी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF लिखा जाए परीक्षा पड़े क्वेश्चन टा यार सब्जेक्ट कौन थी सेपिंग एंड इक्विटेबल इनक्लूसीव एंड सस्टेनेबल रिकवरी तमें आम फ्यूचर पीढ़ी आमपाई आम आम कौन करवा गोटे आम भितर आम इनक्लूसीव भितर गोटे एकता सामानता केमती रहा आम सेव करवा बुझे तपे आस 16th ईस्ट एशियन वर्चुअल समिट 2021 मन रखिए समिट गुड़ाक परीक्षा पड़ब यार भेन्यू हूँ सेरी बागवान टाउन ब्रुनेई ब्रुनेईर सेरी बागवान टाउन हो भेन्यू 27 अक्टोबर 2021 ईस्ट एशियन वर्चुअल समिटा होता आपको चेयर करते आपको सभापति किए थे ना जो बाइडेन थे जे आमेरिकार राष्ट्रपति जे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया भारत रूप रिप्रेजेंट करते प्रधानमंत्री मोदी रिप्रेजेंट करते मन रखा कथा गुडा ग्लोबल कोविड 19 समिट 2021 ये कोविड उपरे कराई ग्लोबल कोविड 19 समिट होता इवेंट थी तर इवेंट के 22 सेप्टेम्बर 2021 आमेरिकार होता तर होस्ट कंट्री हूँ आमेरिका सब्जेक्ट कौन थी आठ एंडिंग द पैंडेमिक कोरोना पैंडेमिक को शेष करवा एंड बिल्डिंग बैक बेटर हेल्थ सिक्यूरीटी राष्ट्र पृथ्वी लोक मान सब पृथ्वी लोक मान हेल्थ सिक्यूरीटी निरापत्ता रक्षा करवा टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन परवर्त समय आम कौन करवा से कथा भी एवं भाविया बुझे क्वाड समिट क्वाड समिट जान क्वाड समिट चार जन अच्छा क्षेत्र में देखियो भेन्यू हूँ तार वाशिंगटन USA 24 सेप्टेम्बर 2021 जो बाइडेन तार चेयरपर्सन थे पार्टिसिपेट क्या करते ना इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया आउ अमेरिका चार जन तार तो मेम्बर आ कौन बुझे आसवा 13th ब्रिक्स वर्चुअल समिट 13 नंबर ब्रिक्स वर्चुअल समिट रेन्यू थी कौटी ना न्यू दिल्ली इंडिया रे केबे हितला देखि देबा 9 सेप्टेम्बर 2021 यार चेयरपर्सन थे पीएम मोदी यार थीम थी कौन ना ब्रिक्स एट दि रेट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फर कंटिन्यूटी ब्रिक्स मेम्बर्स मैंने अच्छा ना भितर कोऑपरेशन जो कंटिन्यूटी रोबर कंसल्टेसन हिसाब पत्र करेंगे आम कमी समस्त भल रहा कनसल्टेटेड हो परस्पर उपर निर्भर हो एंड कन्सीयसने सब कम गुड़ाक आम कन्सीयसनेस बुझे तपे आस 47th G7 समिट 47th G7 समिट यार भेन्यू हूँ कर्णवाला यूके यूनाइटेड किंगडम कर्णवाला 11-13 जून रहा यार चेयरपर्सन थे पीएम बोरिस जॉनसन ब्रिटिश पीएम तार थीम थी बिल्ड बैक बेटर आम आम फ्यूचर को कमी बैक कर मैंने भल भाव में करपर मन रखिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट परीक्षापी 20th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 20th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट यार इवेंट 10-12 फेब्रुआरी 2021 तर थीम कौन रखाई थी टे मन रख रिडिफाइनिंग आवर कमन फ्यूचर आमर जो समस्त जो कमन फ्यूचर भविष्य अच्छी से रिडिफाइन करवा कमी सेफ रद रिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल आम आसंता पीढ़ी आमपाई ये एनवायरनमेंट केमती निरापद रही थीम उपरे तार ऑर्गेनाइजर थी किए द एनर्जी एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट थी न्यू दिल्ली डिपार्टमेंट अच्छी बुझे सो इफ यू लाइक माय वीडियो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट थैंक यू।